हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आज हम आपके लिए मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें मैथ्स में जो बेसिक चैप्टर है, पहला जो आपका चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। ओके, अब देखिए नंबर सिस्टम क्या है। हम सालों से, बचपन से जब से हमने मैथ्स सीखना स्टार्ट किया है तब से हम नंबर सिस्टम पढ़ते जा रहे हैं। फिर क्यों उसको पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि आज भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो किसके बेस्ड पे होंगे? नंबर सिस्टम बेस्ड होंगे। चलिए, अब नंबर होता क्या है? मैंने जैसे लिख लिया 36, इट इज़ ए नंबर। ओके, 87, इट इज़ ए नंबर। तो ये नंबर्स कैसे बने? ओके, तो ये नंबर बने हैं डिजिट से। ओके, और कौन से डिजिट हमें पता है या मैथ्स में कितने डिजिट होंगे? तो मैथ्स में डिजिट होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। 9 के बाद क्या होगा? 10। ओके, बट देखिए 10 तो 1 ऑलरेडी एक डिजिट आ चुका है और 0 भी हमने काउंट कर लिया है। तो मैथ्स में हमारे पास 1 to 9 and 0 इतने डिजिट हमारे पास अवेलेबल है। जो भी नंबर्स आप बनाओगे मैथ्स में, जो भी यूज़ करोगे वो इन्हीं डिजिट के इस्तेमाल से आप यूज़ करोगे। ओके, चलिए अब नंबर फॉर्म कैसे होगा। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 36, अब 36 बना कैसे? 36 का मतलब क्या है? ओके, 30 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मैं उसको 30+6 लिख सकता हूँ। ओके, अब आपको सवाल होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने 30 क्यों लिखा? तो हम बचपन में पढ़े हैं कि 36 में 6 की जो प्लेस है वो क्या है? यूनिट प्लेस। ओके, और 3 की जो प्लेस है, 3 कौन से नंबर पर है? वो है 10th प्लेस पे। ओके, अब ये कैसे पता चला मुझे? क्योंकि 36 को मैं लिख सकता हूँ 30+6, विच मीन्स 3 × 10+1, बिकॉज ये 10th प्लेस है तो 10^1 लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस 6 × 10 की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो 10^0, विच मीन्स 3 × 10+6 × 1, बिकॉज 10^0 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे होगा 30+6 इज इक्वल टू 36। ओके, सिंपली आप कोई भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 87 में आपको पता है इसको मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि 8 इज ऑन 10th प्लेस तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 × 10^1 प्लस 7 × 10^0, विच मीन्स 8 × 10 प्लस 7 × 1 विच विल बिकम 87। ओके, ये तो बात हो गई दो डिजिट के नंबर्स की। मान लीजिए आपके पास दो डिजिट से ज़्यादा का नंबर बना हुआ है, 3 digit, 4 digit या 5 digit का नंबर बना हुआ है, कैसे उसको हम जस्टिफाई करेंगे? ओके, तो उसको चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 536। ओके, अब यहाँ पे ये क्या हो गया? यूनिट प्लेस, विच मीन्स 10^0। 3 क्या हो गया? 10th प्लेस, विच मीन्स 10^1। उस डिजिट को आप जब 10^1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। 5 क्या हो गया? 100th प्लेस, 10^2। देखिए 10^2 का मतलब 100 होगा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? 100th प्लेस। इसके आगे अगर मैं और एक नंबर जोड़ दूँ, 7536 कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1000th प्लेस, राइट, विच मीन्स ये हो जाएगा 10^3। तो अगर 7 की मुझे वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी? 7 × 10^3, विच मीन्स 7000। 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 × 10^2, बिकॉज इट इज़ ऑन 100th प्लेस तो यहाँ पे हो जाएगा 500। 3 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, 3 × 10^1, विच मीन्स 30। और 6 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो 6 × 10^0, विच मीन्स 6। अब जब आप इसको ऐड करोगे,
जब आप एडिशन परफॉर्म करोगे तो टोटल नंबर आपका क्या बनेगा, 7536. ओके, सो दिस इज वेरी बेसिक आइडिया विच वी ऑल नो, बट वी जस्ट हैव टू रिवाइज इट, ओके, बिफोर गोइंग अहेड. अब देखिए, और एक चीज हमें सीखनी है जो कि है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू. चलिए, अब दो मिनट वीडियो पॉज करके 7536 में मुझे 5 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अपने आप लिखिए और बताइए. 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको. ओके, तो चलिए, फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल डिजिट की जो वैल्यू है वो. तो 5 की फेस वैल्यू, 5 को आप कहीं पे भी रखो, 5 हमेशा 5 ही रहने वाला है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. तो फेस वैल्यू विल बिकम 5. नाउ व्हाट इज प्लेस वैल्यू? सो प्लेस वैल्यू के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भाई वो जिस प्लेस पे है उस हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड होगी. अब हमारे नंबर में 5 यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस. ओके, 100th प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 500C. ओके, उसी तरह से अगर मैं 7 की फेस वैल्यू के बारे में बात करूं और प्लेस वैल्यू के बारे में बात करूं, तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 की फेस वैल्यू हो जाएगी 7 और प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7000. ओके, मान लीजिए और कोई नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 499999. ओके, चलिए या तो 4 निकाल देते हैं, जस्ट ये नंबर रखते हैं. अब यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द फेस वैल्यू, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3rd डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट. ओके, चलिए, अब ये नंबर से लेफ्ट से आपको गिनना है 3rd डिजिट. तो 3rd डिजिट कौन सा है? दिस 9. तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? 9 ही होगी. कोई भी 9 यहाँ से अगर आप उठा लोगे तो 9 की फेस वैल्यू कौन सी होगी? 9. वो चेंज नहीं होने वाली. बट अगर मैं यहाँ पे फेस वैल्यू की जगह अगर प्लेस वैल्यू लिख लूँ, ओके, तो प्लेस वैल्यू अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3rd डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, 1st, 2nd, and 3rd, ओके, और उसकी प्लेस कौन सी है? यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100th डिजिट. तो 100th डिजिट है मतलब उसको मुझे 10 raised to 2 भी लिखो, जिसको ये समझ में आए या जिसको ये समझ में आए, ये दोनों एक ही चीज़ है, राइट? तो उसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900. अगर आपको पूछा जाए कि 4th डिजिट की प्लेस वैल्यू अगर आपको निकालनी है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 4th डिजिट कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, 4. अब यहाँ पे अगर आप प्लेस वैल्यू 900 लिख के आओगे या 9 लिख के आओगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये वाला जो 9 है वो कौन से प्लेस पे है? एग्जैक्टली, ओके, वो 10th प्लेस पे है. तो आपको 10 raised to 1 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 90 मिलेगी, 90 मिलेगी. तो देखिए, फॉर एवरी 9 फेस वैल्यू इज सेम, बट फॉर एवरी 9 प्लेस वैल्यू इज डिफरेंट. तो ये आपको याद रखना है. ओके, चलिए, अब इसको अगर हिंदी में आपको जानना है तो फेस वैल्यू को आप हिंदी में कहोगे शुद्ध मान, ओके, और प्लेस वैल्यू को आप हिंदी में कहोगे स्थानीय मान. ओके, चलिए, तो इतना आपको याद रखना है. एक बार 2 सेकंड दे रहा हूं, जैसे इसको रिवाइज कर लीजिए. चलिए, अब नंबर कैसे फॉर्म होगा, ओके, तो वो जानना है हमें. कोई नंबर अगर मुझे दिया है XY, लेट्स से इट इज 67. सो यहाँ पे व्हाट इज 6X एंड व्हाट इज 7Y. अब XY को अगर मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर मुझे फॉर्म करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 10X + Y, राइट, विच इज हियर 60, और 6 into 10 plus
7। ओके, देखिए ये जो नंबर फॉर्मेट है वो इसी को रिजेंबल कर रहा है। यहाँ पे मुझे मिलेगा 60+7 विच विल बिकम 67। अब अगर आपको पूछा जाता है कि व्हेन यू स्वैप द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो जब एक्स वाई को अगर मैं डिजिट स्वैप करता हूँ तो एक्स वाई से डिजिट स्वैप करके क्या बनेगा, एक्स की जगह पे क्या लिखना है, वाई लिखना है, और वाई की जगह पे क्या लिखना है, एक्स लिखना है। सो नाउ माई नंबर बिकम्स वाई एक्स, तो क्या अभी भी मैं उसको 10x+y लिखूंगा तो वो सही रहेगा अगर ये फॉर्मेट में ये लिखूँ तो नंबर फॉर्मेट, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपकी y और x की जो प्लेस है वो बदल गई है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या लिखना है, व्हाट विल बी द न्यू नंबर फॉर्मेट, तो वो मेरा न्यू नंबर फॉर्मेट होगा 10 into y। ओके, चलिए मैं यहाँ पे डॉट कर देता हूँ, डॉट इज ऑल्सो साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, प्लस x। तो नाउ दिस इज माई न्यू नंबर फॉर्मेट। देखिए 10y+x और 10x+y ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। उसी तरह अगर मैं उसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, 67 को आफ्टर नंबर स्वैपिंग क्या हो जाएगा, 76। देखिए 67 के लिए 60+7 हो रहा था, 6 into 10+7, 76 के लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, 7 into 10+6 विच विल बिकम 70+6 इज इक्वल टू 76। ओके, चलिए आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको नंबर फॉर्मेट बनाने, हो सकता है कि हर बार आपको ऐसे सिंपल नंबर से ना पूछा गया हो, ओके कई बार आपको इस फॉर्म में पूछा जाए, तो इस फॉर्म में भी कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। ओके, जस्ट आपको ये एक फॉर्मेट याद रखना है। मान लीजिए आपको 3 वेरिएबल दिए हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स दिए, अननोन डिजिट्स लाइक एक्स वाई एंड जेड। नाउ व्हाट विल बी द नंबर फॉर्मेट, ट्राई कीजिए एक बार खुद से, व्हाट विल बी द नंबर फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपका नंबर फॉर्मेट हो जाएगा, सी दिस इज द यूनिट प्लेस मींस 10^0, this is the 10th place means 10^1, and this is the 100th place means 10^2। तो यहाँ पे आपका नंबर फॉर्मेट हो जाएगा 10^2x plus 10^1 into y plus 10^0 into z। तो ये क्या हो गया, 100x plus 10y plus, देखिए ये तो जीरो ही है तो ये तो वन हो गया, तो जेड। नाउ फॉर 3 डिजिट्स दिस इज माई नंबर फॉर्मेट। अगर यहाँ पे भी आपको पूछा जाता है भाई एक्स वाई जेड को स्वैप करना है, तो आप उस तरह से ये नया नंबर फॉर्मेट, नाउ यू विल बी एबल टू फॉर्म दी नंबर फॉर्मेट। ओके, क्लियर, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ओके, चलिए 2 सेकेंड दे रहा हूँ, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, नंबर फॉर्मेट दिस दिस एंड दिस। चलिए अब डिजिट्स के बाद, अब देखिए ऐसा नहीं कि मैथ्स में सिर्फ ये 9 ही डिजिट है, ओके 0 to 9, 0 to 9 के अलावा भी आप इन योर डे टू डे लाइफ आप काफी और नंबर्स के कांटेक्ट में आते हो, तो वो नंबर क्या है, कैसे है, कैसे उनको डिवाइड किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, वो हम सीखेंगे। तो पहला जो नंबर डिवीजन हमें सीखना है वो है नेचुरल नंबर्स। अब गो बैक टू योर 5th standard एंड याद कीजिए कि भाई नेचुरल नंबर्स में आप क्या सीखे थे, क्या थे नेचुरल नंबर्स, जिसको आप प्राकृतिक संख्याएं कहोगे। ओके, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 अप टिल इन्फिनिटी, ओके दैट इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, तो ये सारे जो नंबर्स हो गए वो आपके हो गए नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या है, ज़्यादातर हम इनसे डील करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। दूसरा जो आपका डिवीजन है वो है होल नंबर्स।
होल नंबर्स क्या होंगे? तो होल नंबर्स का मतलब है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं में नेचुरल नंबर्स तो इंक्लूडेड है ही है, साथ में हो जाएगा, इसको डिनोट किया जाएगा थ्रू एन। ओके, तो साथ में ऐड हो जाएगा जीरो, विच मीन्स 0, 1, 2, 3 up to infinity। ओके, तो ये हो गए आपके नेचुरल नंबर्स, ये हो गए आपके होल नंबर्स। नाउ व्हाट विल बी थर्ड? सो दैट विल बी इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक, पूर्ण अंक कौन से हो गए? देखिए, आप कहोगे कि भाई 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण अंक है अप टिल इन्फिनिटी। ओके, और कौन से पूर्ण अंक है? -1, -2, -3, -4 ये भी तो पूर्ण अंक है आपकी नंबर सिस्टम में। दिस इज 0, ओके, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी। तो इन सबको मिला के जो आपका नंबर सिस्टम फॉर्म होगा दैट इज नोन एज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में दो पार्ट होंगे, और देखिए यहाँ पे जीरो भी इंक्लूडेड है, तो ये पूरा चेन और माइनस वाला पूरा चेन प्लस जीरो, वो मिला के आपके क्या बनेंगे? इंटीजर्स, दैट इज आई। ओके, एंड होल नंबर्स इज डब्ल्यू, डिनोटेड बाई डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, दिस इज कैपिटल आई। तो जब आपको पूछा जाए, अभी यहाँ पे दो, इसको आप इजीली याद रख सकते हो, दिस इज योर पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज आर योर नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ व्हाट अबाउट जीरो? इज जीरो पॉजिटिव इंटीजर और इज जीरो अ नेगेटिव इंटीजर? सोचिए क्या होगा, जीरो पॉजिटिव में रखोगे या जीरो नेगेटिव में रखोगे? क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, अगर आपको पूछा जाता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप उसमें जीरो ऐड कर दोगे। अगर आपको पूछा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स या तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ओके, सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आप 0, 1, 2, 3, 4 ऐड करोगे, जीरो ऐड करोगे। अगर आपको पूछा जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, तो भी आप नेगेटिव इंटीजर्स में भी जीरो को ऐड करोगे, -1, -2, -3 up to -infinity। तो जीरो विल बी इंक्लूडेड इन बोथ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो एंड नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल। ओके, चलिए तीनों को एक बार देख लीजिए, और इसको मैं वेन डायग्राम में भी आपको बताता हूँ ताकि ईजी रहे कि कौन किसके अंदर कौन से नंबर्स इंक्लूडेड हैं। ओके, तो पहला हो गया आपका नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, एंड तीसरा इंटीजर्स। चलिए एक बार देख लीजिए, अभी तक हमने सीख लिया, पहला था नेचुरल नंबर दैट इज एन, होल नंबर दैट इज डब्ल्यू, एंड इंटीजर नंबर दैट इज जेड। ओके, चलिए अब इसके बाद हमें सीखना है रियल नंबर्स। ओके, और रियल नंबर्स में आपके दो डिवीजन होंगे, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। सो जो जिस नंबर को आप रेशियो के तौर पे लिखते हो, उस नंबर को आप रैशनल नंबर के अंदर इंक्लूड करोगे। ओके, जैसे कि हो गया 4/3, 5/2, 100/3। ओके, अब देखिए 100/3 का मतलब हो गया 33.33% इनफाइनाइटली, तो 33.30% विल ऑल्सो कम इन रेशनल नंबर। वॉट आर इरेशनल नंबर्स? तो इरेशनल नंबर का मतलब हो गया √2, ओके, पाई, जिसकी कोई डिफाइनाइट वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इसके अगर √2 का मैं रूट निकालूंगा तो देट विल बी 1.41 डॉट 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 जाता जाएगा आगे। ओके,
तो कोई एग्जैक्ट डिफाइनाइट लिमिटेड वैल्यू हमें नहीं मिलेगी. ओके, सो दोज ऑल नंबर्स विल कम इन इरेशनल नंबर्स. ओके, अब अगर इसको हमें वेन डायग्राम के फॉर्म में अगर लिखना है, तो पहला जो सेट है हमारा वो होगा रियल नंबर्स. देखिए यहाँ पे रियल नंबर्स में सारा ही कुछ इंक्लूड हो रहा है. माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0, 1, 2, 3, 4. अब देखिए रियल नंबर्स में ये सारे नंबर्स भी इंक्लूडेड हो रहे हैं जो इंटीजर्स के बीच में हैं. तो सबसे पहले अगर मुझे, सो दिस विल बी माय रियल नंबर्स. ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा क्यू, दैट विल बी पूर्ण संख्याएं. ओके, चलिए उसके बाद होगा जेड. ओके, एंड उसके बाद होगा नेचुरल नंबर्स. ओके, चलिए तो दिस इज योर आर क्यू जेड एंड एन. ओके, आपको अगर वेन डायग्राम से याद रहता है तो दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस तरीके से भी उसको याद रख पाओगे. ओके, चलिए अब इसके बाद हमें सीखना है, एंड दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, तो थोड़ा अटेंशन से इसको सुनिए. वो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर. अब एक बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है, आपको क्या पता है, और कंपोजिट नंबर के बारे में आपको क्या पता है, और थोड़े एग्जांपल अपने दिमाग में सोच लीजिए. चलिए तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा प्राइम नंबर की. नाउ द नंबर हैविंग, ओके, जिस नंबर के फैक्टर के तौर पर आप वन और नंबर इटसेल्फ, अब जिसके ये दो ही फैक्टर्स है, ओके, उसको आप क्या कहोगे, प्राइम नंबर्स. सो नंबर डिविजिबल बाय नंबर इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर. ओके, और कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हो गया, अगर सीधी लेमेन लैंग्वेज मुझे डेफिनेशन देनी है तो क्या मतलब हो गया, कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर. सो कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, जिससे एक से ज्यादा फैक्टर होंगे, एक नंबर इटसेल्फ एंड देर आर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर दैट नंबर, सो दैट नंबर विल बी कंसिडर्ड एज कंपोजिट नंबर्स. ओके, डेफिनेशन आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा उससे ये क्लियर हो जाएगा. चलिए अभी के लिए एक नंबर को छोड़ देते हैं, ठीक है, एक. उसके बाद क्या होगा, दो, तीन और चार. चलिए तो पहले हम लेंगे दो. अब दो को नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो दो को अगर मैं दो से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक मिलेगा. अब दो के और कोई फैक्टर आपको मिलेंगे, 3, 4, 0.5, 0.3 ऐसा कुछ मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा. तो दो के लिए मुझे दो ही फैक्टर मिले, दैट इज 2 एंड 1. सो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ऑल्सो इट इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम. ओके, दो के बाद सीधा इवन नंबर कौन सा होगा, इवन का मतलब तो पता है ना, जिसके यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 8 है, दैट इज योर इवन नंबर्स. एंड वॉट आर ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 7 एंड 9 जो है, जिसके एंड में यूनिट डिजिट के प्लेस पे, वो हो जाएंगे आपके ऑड नंबर्स. तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ऑल्सो इट इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम. क्यों, क्योंकि उसके दो ही फैक्टर आपको मिलेंगे, दैट इज 1 एंड 2. ओके, और कोई फैक्टर आपको नहीं मिलेंगे. चलिए अब इसके आगे चलते हैं, 3. ओके, 3 के भी दो ही फैक्टर मुझे मिलेंगे, 1 और 3. 4 के कितने फैक्टर मिलेंगे मुझे, सोचिए, 1, 2 into 2 and 4 into 1. सो यहां पे मुझे देखिए 3 फैक्टर मिले,
तो चार मेरा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन जो है कि व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन देन ओनली द नंबर विल बी कंसिडर्ड एज प्राइम नंबर। तो यहाँ तो मेरे फैक्टर बढ़ गए, चार और एक के अलावा दो भी यहाँ पे मेरे फैक्टर में है। अगर दो नहीं होता मान लीजिए तो चार भी प्राइम नंबर होता, बट क्योंकि यहाँ पे दो भी इसके फैक्टर में है, टू इंटू टू लिख सकते हो ना आप फोर, राइट, तो चार मेरा प्राइम नंबर नहीं है। अब जब चार प्राइम नंबर नहीं है तो चार कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करेगा? कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में बिलोंग करेगा। ओके, सो फोर इज द कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि उसके नंबर इटसेल्फ एंड वन के अलावा भी उसके फैक्टर हैं, वन टू एंड फोर। ओके, सो ये चार के फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट नंबर हम लेंगे पाँच। चलिए पाँच भी एक प्राइम नंबर हो गया, क्यों? क्योंकि उसके फैक्टर है वन एंड फाइव। सिक्स यहाँ पे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके फैक्टर है वन टू थ्री एंड सिक्स। तो देखिए चार फैक्टर हो गए, तो वो हो गया आपका कंपोजिट। देखिए अगर आपको हिंदी में समझना है, इसको आप कहोगे अविभाज्य संख्याएं, ओके, जिसका भाग नहीं चल सकता, ओके, जो कि नॉन डिविजिबल है किसी भी नंबर से, ओके, और कंपोजिट का नंबर है भाज्य संख्याएं, ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं फॉर सेल्फ स्टडी, क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, ओके, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? अब तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन मुझे पता है, पर हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 25? ओके, और यहां पे आपको दिया है बोथ नंबर्स इंक्लूडेड। चलिए ये आपको मान लीजिए एक एग्जाम में पूछा गया, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 25 बोथ नंबर्स इंक्लूडेड। ओके, डोंट गो टू आंसर डायरेक्टली, ठीक है, मैं आंसर बता ही रहा हूँ आपको, बट डोंट गो टू आंसर डायरेक्टली, पहले खुद से सोचिए। ये डेफिनेशन अगर आप समझे होंगे तो ये लिस्ट आप इजीली निकाल पाओगे। आपको नंबर नहीं बताने मुझे, हाउ मेनी, ओके, नंबर ऑफ नंबर्स मुझे बताने हैं। चलिए 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको इसके लिए। ओके, चलिए अब तक काफी लोगों ने निकाल लिया होगा। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। एक नंबर है प्राइम नंबर? नहीं है, ओके, वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। तो स्टार्ट कहां से करोगे आप? टू थ्री फाइव सेवन नाइन इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। चलिए क्यों? क्योंकि वन थ्री एंड नाइन, तो नाइन अगर आपने गिना है, नाइन इज ऑड नंबर बट नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। चलिए उसके बाद होगा 10 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, ओके। तो देखिए इतने ही प्राइम नंबर आपको 1 टू 25 में मिलेंगे, ओके, 25 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके फैक्टर है 1, 5 and 25, राइट, तो वो भी आपके प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिए कितने नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, तो बिटवीन 1 to 25 नाइन प्राइम नंबर्स आर देयर, ओके। अगर आपका सही आंसर आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो जस्ट रिपीट दी वीडियो अगेन के ये डेफिनेशन में आपको क्या समझाया गया है, ओके। चलिए अब आपको सवाल होना चाहिए, जिन लोगों ने यहाँ पे एक को काउंट किया है उनका आंसर यहाँ पे 10 आ रहा होगा। अब क्यों एक प्राइम नंबर नहीं है, ओके, तो क्वाइट एन सिंपल आंसर टू दैट। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ एंड वन। अब एक नंबर जब मैं लूंगा तो वो तो खुद से डिविजिबल होगा, तो वन, ओके, तो यहां पे तो सिर्फ ये एक ही कंडीशन फुलफिल हुई, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसीलिए वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। और कंपोजिट नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए तो ऑलरेडी हमें एक से ज्यादा फैक्टर चाहिए, दो से ज्यादा फैक्टर चाहिए, एक्चुअली नंबर इटसेल्फ वन एंड देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स, ओके। सो एक ना तो प्राइम नंबर है
ना ही कंपोजिट नंबर है, ओके, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ना तो वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में फिट बैठता है ना ही वो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में फिट बैठता है, ओके। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, ओके। सो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, आप अपने हिसाब से उसको गिन भी सकते हो, एक लिस्ट बना लीजिए प्राइम नंबर्स का और उसको मेमोराइज कर लीजिए। तो 1 to 100 में अगर आपको पूछा जाए कि भाई कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 1 to 100 में टोटल आपके 25 प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे। यू कैन जस्ट लिस्ट इट आउट लाइक दिस एंड काउंट दोज नंबर्स, ओके। देन 25 to 50 में आपको 6 नंबर्स मिलेंगे, ओके। एंड 50 to 100 में आपको 10 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। और 1 to 25 की लिस्ट तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, 1 to 25 में आपको 9 प्राइम नंबर्स मिलेंगे, ओके। चलिए 30 सेकेंड दे रहा हूँ, एक बार ये चेक कर लीजिए वापस, ओके। तो याद रखना है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो जिसको आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, दोज नंबर्स विल बी कंपोजिट। तो इसका अगर मुझे लिस्ट बनाना है 4, 6, 8, 9, 10, 12, ओके, लाइकवाइज देखिए मैं आपको 1, 2 एंड 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 6, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1, 2, 4 एंड 8, यहाँ पे हो जाएगा 1, 3 एंड 9, यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 5 एंड 10, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, देखिए 12 के ये सारे फैक्टर्स हैं, ओके। चलिए फैक्टर्स का सिंपली मतलब क्या, अगर आप देखिए 4 के फैक्टर में 2 क्यों है, जब आप 2 का टेबल बोलोगे 2 into 1, 2, 2 into 2, 4 आया, सो दैट विल 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। उसी तरह से 6 के फैक्टर में 2 एंड 3 क्यों आया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 1 जा 6, ओके। तो इसीलिए उसके फैक्टर में, और लाइकवाइज इन सब के लिए, ओके। चलिए अब प्राइम नंबर के बाद हमें सीखना है को प्राइम नंबर्स, ओके। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हो जाएगा, चलिए कंपोजाइट नंबर में मिटा रहा हूं, प्राइम नंबर अभी भी रहने दे रहा हूं। को प्राइम नंबर्स मान लीजिए कि कोई दो नंबर्स आपको दिए हैं, दो नंबर्स ए एंड बी। नाउ व्हेन दीज टू नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम, तो जब कि उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, तब उनको को प्राइम नंबर कहा जाएगा, ओके। LCM HCF की बात हम आने वाले चैप्टर में करेंगे, बट आप बचपन से सीखते आ ही रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि HCF कैसे निकालना है, ओके। चलिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 7 एंड 15, ओके। अब देखिए 7 और 15 के जब आप फैक्टराइजेशन करोगे, 7 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 1 एंड 7, 15 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 1, 3 एंड 5 एंड 15। अब HCF का मतलब क्या है कि इन दोनों में कोई फैक्टर सेम है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे नहीं है, 3, 5, 15 7 के फैक्टर्स में नहीं है। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या मिला, 1 मिला। सो 7 एंड 15 आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स, ओके। मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ, आपको खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए और एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, लेट्स से 6 एंड 8, आर दीज नंबर्स आर को प्राइम, आर दीज नंबर्स को प्राइम। सोचिए 6 का फैक्टराइजेशन जब आप करोगे 1, 2, 3 एंड 6, ओके। नेक्स्ट नंबर इज 8, 8 का जब आप फैक्टराइजेशन करोगे दैट विल बी 1, 2, 4 एंड 8, ओके। चलो अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 तो है दोनों में कॉमन,
यहाँ पे तो दो भी कॉमन दिख रहा है मुझे, जबकि को प्राइम की डेफिनेशन क्या थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन इंटू टू टू हो गया, तो सिक्स एंड एट आर नॉट को प्राइम नंबर्स। सिक्स की जगह पे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं नौ लिख लेता हूँ, ओके, अगर नौ लिख लिया मैंने तो नौ के फैक्टराइजेशन आप कैसे करोगे, वन थ्री एंड नाइन, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में आपको सोचना है, तो वन इज कॉमन, टू इज नॉट कॉमन, बट थ्री इज कॉमन। तो यहाँ पे तो आपका एच सी एफ कितना हो गया, तीन हो गया, तो सिक्स एंड नाइन ऑल्सो आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ओके। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, वो को प्राइम है या नहीं वो मुझे बताइए। सेवन एंड नाइनटीन, एट एंड ट्वेंटी वन, फिफ्टीन एंड फोर्टी फाइव, 46 एंड 81। चलिए 30 सेकेंड्स टू सॉल्व ऑल दिस। सेवन और 19 इज इजी, 8 एंड 21 इज इजी, जस्ट लास्ट में आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ओके, एंड डेट टू मेंटल कैलकुलेशन। चलिए 7 और 19 आर को प्राइम नंबर्स, ओके। क्यों को प्राइम है, क्योंकि उनका जो एच सी एफ है वो क्या है, 1 है, ओके। एच सी एफ इज इक्वल टू 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 7, इसके फैक्टर होंगे 1 एंड 19। तो देखिए ओनली 1 इज कॉमन, राइट। 8 एंड 21, चलिए 1 2 4 एंड 8, यहाँ पे हो जाएगा 1 3 7 एंड 21। तो देखिए इसमें भी कॉमन आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, वन दिख रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ को प्राइम नंबर। 15 एंड 45, नाउ 15 थ्री जा 45, तो यहाँ पे तो पता ही है आपको कि एच सी एफ वन के अलावा कुछ होगा, तो दिस इज नॉट अ को प्राइम नंबर, ओके। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 1, 3, 5 एंड 15, ओके, दीज आर फैक्टर्स। 45 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 3, 5, 9 एंड 45, राइट। तो देखिए 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है एंड 1 भी कॉमन है, तो दिस इज नॉट अ को प्राइम नंबर। 46 में क्या हो जाएगा, चलिए पहले गिन लेते हैं, 23 इंटू टू, ओके, और 1 तो है ही, अब इसका आगे फर्दर आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते बिकॉज 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 81 में क्या होगा, 1, चलिए पहले 81 का हो जाएगा 27 इंटू थ्री, 27 को आगे आप जब फर्दर डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 9 इंटू थ्री, विच मीन्स 3 इंटू थ्री। तो देखिए इतने फैक्टर्स उसके बन रहे हैं यहाँ पे, और 1 तो है ही साथ में, बट कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है यहाँ पे, ओके। सो दीज आर ऑल्सो अ को प्राइम नंबर, 46 एंड 81 इज ऑल्सो अ को प्राइम नंबर्स, ओके। सो प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली भी आपको पूछा जा सकता है, या आपको कहीं जो सम दिया है उसमें यू नीड टू यूज दिस, ओके। एंड आपको 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम कोई भी अगर नंबर दिए आपको, सेट ऑफ नंबर्स, उसको ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, बिकॉज नाउ द डेफिनेशन इज वेरी क्लियर टू अस, ओके। चलिए Now, if everything is clear, we will move to divisibility by numbers. कोई random number किसी particular number से divisible है या नहीं है, okay? वो अगर आपको find करना है तो आप कैसे करोगे? चलिए अगर आपको दो digit या maximum तीन digit के भी number अगर दिए होंगे, मैं अगर आपको बोलूँगा कि भाई 86 कोई random number से divisible है या नहीं है वो check कीजिए, तो you can easily calculate. बट इन एग्जामिनेशन मान लीजिए आपको नंबर दिया है 3864579 5, चलिए इतना बड़ा अगर आपको नंबर दिया है, अब आप अगर इसको नॉर्मल मेथड से, कन्वेंशनल मेथड से डिवाइड बाय 3 करके इसको गिनने जाओगे, इट विल टेक योर टाइम, ओके, एक दो मिनट तो आपको इसी में लग जाएंगे, आपके बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो छूट जाएंगे। तो इससे बेटर है कि वी हैव सम डिविजिबिलिटी रूल्स, ओके। तो वो क्या है वो हम देखेंगे नंबर बाई नंबर।
चलिए पहला जो नंबर है वो हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय टू। कब कोई नंबर दो से डिविजिबल होगा, दो से उसका भाग चलाया जा सकता है? तो उसका एक सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन अ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर ओके इज 0, 2, 4 और 8। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये नंबर है, और ये कब होंगे? इवन नंबर्स के एंड में। तो जब कोई नंबर इवन है उसको हमेशा आप टू से डिवाइड कर पाओगे ओके। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय टू। थ्री के लिए डिविजिबिलिटी क्या होगी? इफ अ सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय थ्री ओके। देखिए चलिए इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक नंबर ले लीजिए 68, 3, 4, 2, 9, 6, 0 ओके 5, 6, 7, 9, 9, 9 ओके। देखिए 68 के यूनिट डिजिट पे 8 है तो वो नंबर डिविजिबल बाय होगा 2 ओके। चलिए 68 डिवाइड बाय 2 6 एंड 4 8। देखिए जो शेष है आपकी रिमाइंडर जो है वो कितना बच रहा है? 0 बच रहा है, दैट मीन इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। तो ये हो गया। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 0 है तो उसका आप 2 से भाग चला सकते हो ओके। दैट इज आवर रूल सेज दैट। तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 7 है, क्या 2 की डिविजिबिलिटी में 7 है यूनिट डिजिट पे? नहीं है। तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 ओके, कंप्लीटली डिविजिबल। यहाँ पे भी 9 है तो दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 2 ओके। चलिए उसके बाद आएंगे 3 के लिए। अब 3 के लिए कहा क्या कहा गया है? कोई नंबर है रेंडमली हम ले लेते हैं 368। चलिए पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब क्या कहा गया है मुझे, अगर इसकी डिविजिबिलिटी बाय 3 मुझे चेक करनी है, इफ अ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो इसमें डिजिट कौन से हैं? पहले तो 3, 6 एंड 8, और उसका मुझे क्या करना है? समेशन करना है। 3 + 6 = 9, 9 + 8 = 17। Now you have to check whether 17 is divisible by 3 or not. Now it is clearly not divisible by 3. 3 into 1, 3. 3 into 2, 6. 9. 12. 15. And 3 into 6 जब आप करोगे आप 18 पे पहुंच जाओगे, तो 17 के फैक्टर में 3 नहीं है। So क्योंकि 17 is not divisible by 3, meaning 368 is also not divisible by 3 ओके। चलिए और एक नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे 368 की जगह मैं 369 अगर कर देता हूँ ओके। अब 369 में क्या होगा? 3 + 6 + 9, 6 और 3 = 9 और 18। सी इसका सम ऑफ द डिजिट क्या हुआ? 18। नाउ 18 इज डिविजिबल बाई 3, सो 369 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 ओके। इसको प्रूफ करके मैं अगर आपको दिखा दूँ, 368 लिया था और यहाँ पे हमने लिया था 369, राइट? 368 डिवाइड बाई 3, मैं सीधा 12 से भाग चला रहा हूँ इसका, 12 * 36 8, तो 3 * 2 = 6। तो देखिए यहाँ पे आपका रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो 368 इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। 369 के लिए देख लीजिए, 3 * 3 = 9, 0 ओके। दिस इज डिविजिबल बाय 3। हो गई आपकी 2 और 3 की डिविजिबिलिटी। चलिए 2 और 3 की डिविजिबिलिटी के एक बार चेक कर लीजिए इसको। चलिए 2 3 के बाद हमारे पास नंबर होगा 4। कैसे चेक करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी? देखिए जब हमने कैलेंडर चैप्टर पढ़ा था ओके इन पास्ट, तब हमने देखा था कि भाई 4 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर
is divisible by 4, then the number is divisible by 4. ओके चलिए पहले दो डिजिट वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं. लेट्स से 12. नाउ 12 इज क्लियरली डिविजिबल बाय 4, राइट? तो यहाँ पे मुझे मिलेगा. चलिए अब कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 768. चलिए नाउ इफ यू वांट टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 768 बाय 4, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू डू नॉट नीड टू डिवाइड दिस होल नंबर बाय 4, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन लास्ट टू डिजिट, मीनिंग यूनिट प्लेस डिजिट एंड टेंथ प्लेस डिजिट. इसके आगे चाहे कितने भी नंबर्स दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ चेक वेदर 68 इज डिविजिबल बाय 4. ओके चलिए देखिए, इसका 17 से भाग चल रहा है, मीनिंग ये पूरा नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा. ओके चेक कर लेते हैं सही है या गलत है. 4, चलिए 4 3 यहां पे बचेंगे. देखिए मिल गया आपको प्रूफ कि वो डिविजिबल है. देखिए 7 के आगे मैं कोई भी नंबर लगा लूं, 3 2 7 7 8, ये कोई भी नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क किससे पड़ेगा? 68 से. अगर मैं 68 में यहां पे कोई नंबर में अगर चेंज करूंगा, देन ओनली इट विल अफेक्ट द डिविजिबिलिटी बाय 4. ओके चलिए तो ये हो गई थी आपकी डिविजिबिलिटी बाय 4. उसके बाद नंबर आएगा हमारे पास नंबर 5. ओके तो नंबर 5 के लिए भी सिंपल रूल है हमारे पास, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है या 5 है तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जांपल 5 10 15 555 100, ओके 3005, ये सारे नंबर्स जो होंगे वो 5 से डिविजिबल होंगे. ओके नेक्स्ट रूल है हमारे पास 6 के लिए. क्या रूल है 6 के लिए? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3. देखिए ये एंड जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है यहां पे. ओके अगर आप यहां पे और रख दोगे तो पूरा उसका मतलब बदल जाएगा. तो इसके लिए आपको फोकस रखना है कि भाई 2 और 3 दोनों से कोई नंबर जब डिविजिबल होगा, देन ओनली द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6. ओके चलिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से 336. ओके नाउ आई हैव टू चेक वेदर 336 इज डिविजिबल बाय 2 and 3. चलिए ये 2 से तो क्लियरली डिविजिबल है, तो चलिए 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को ये पास कर गया. क्या ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है? चेक करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी. याद कीजिए, इफ अ सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो इसको ऐड करोगे 6 और 3 9 9 और 3 12. वापस अगर 12 को ऐड करोगे 2 और 1 3. ओके सो दैट इज डिविजिबल बाय 3. देखिए दोनों की डिविजिबिलिटी को ये पास किया, मीनिंग 336 इज डिविजिबल बाय 6. चेक कर लेते हैं हम, 336 इज डिविजिबल बाय 6. चलिए क्या भाग चलेगा यहां पे, 6 5 30. देखिए है डिविजिबल, तो ये हो गई आपकी 6 की डिविजिबिलिटी की. ओके चलिए इसके बाद आता है नंबर 8. 7 के लिए वी डू नॉट हैव एनी डिविजिबिलिटी की. ओके क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स है वो काफी वेरी करते हैं, इसके लिए उसके लिए कोई डिफाइनाइट रूल हमारे पास नहीं है, तो 7 को हम छोड़ेंगे. उसके बाद आएगा नंबर 8. तो जैसे 4 में आपने लास्ट 2 डिजिट लिए थे नंबर के टू चेक द डिविजिबिलिटी, यहां पे आप लोगे इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर is divisible by 8, then the number itself is divisible by 8. Okay, check कर लेते हैं 3 3 4 2 8. Okay, चलिए ये हमने number ले लिया. अब मुझे क्या check करना है, ये 3 number को ही ध्यान में रखना है. If 4 to 8 is divisible, चलिए उसको check करना पड़ेगा मुझे. 4 to 8 is divisible. देखिए यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 4,
उसका क्या मतलब हुआ कि मुझे जीरो रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड? चलिए चेक कर लीजिए 8 से डिविजिबिलिटी एक बार। नेक्स्ट नंबर होगा हमारे पास 9 से डिविजिबिलिटी। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इट इज द सेम रूल एज 3। इफ सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, ओके, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। लेट्स चेक 729। ओके, चलिए 729 के सम का डिजिट्स क्या होगा? 7 + 2 + 9, दैट विल बी 7 + 2 = 9, 9 + 9 विल बी 18। नाउ इज 18 डिविजिबल बाय 9? यस, सो 7 - 9 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 9। लेट्स चेक दैट ऑल्सो। देखिए रिमाइंडर 0 मिल गया, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। ओके, चलिए 9 के बाद हमारे पास डिविजिबिलिटी होगी 10 के लिए। अब 10 के लिए इजी है, कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल है जिसका यूनिट डिजिट होगा ओनली एंड ओनली 0। ओके, सो जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा, 10, 20, 30, 500, 790, 820, 1020, ये सारे नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। वन ऑफ द इजीएस्ट डिविजिबिलिटी के, जिसको याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही आपको पता है। ओके, चलिए अब थोड़ी इंटरेस्टिंग की आती है आपके लिए, डिविजिबिलिटी बाय 11। क्या है 11 से अगर मुझे किसी की नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है? ओके, मान लीजिए मैं आपको नंबर देता हूं 483 2781। देखिए अब आपको यहां पे क्या करना है, इफ द डिफरेंस बिटवीन ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस, दिस इज फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, राइट, सो ऑल दीज आर, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो ऑड प्लेसेस है, राइट, अंडरलाइन इज इक्वल टू ऑड प्लेसेस या ऑड डिजिट्स, ऑड डिजिट्स आपको इन कन्फ्यूजन होगा, ऑड प्लेसेस का डिजिट आपको लेना है। ओके, एंड एरो जो किया है दैट इज इवन प्लेसेस। अब इनका पहले तो आपको सम करना है और उसका डिफरेंस निकालना है। ओके, चलिए तो पहले मैं ऑड प्लेसेस ले लेता हूं, दैट इज 4, 3, 7 and 1। देखिए कौन से नंबर लिए मैंने, 4, 3, 7 and 1। अब इसका समेशन मुझे करना है, क्या होगा इसका समेशन, 4 + 3 = 7, 7 + 7 = 14 + 1 = 50। इसको अभी के लिए छोड़ दीजिए। अब मुझे लेने हैं इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स है, कौन से इवन प्लेसेस पे नंबर, 8 + 2 + 8। देखिए इसका समेशन क्या होगा, 8 + 8 = 16 + 2 = 18। ओके, अब आपको क्या करना है, चाहे आप 15 - 18 कीजिए या 18 - 15 कीजिए, दैट डजंट काउंट। ओके, तो यहाँ पे साइन का कोई इश्यू नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव आए नेगेटिव आए कोई मतलब नहीं है। 18 - 15 जब मैं करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 3 मिलेगा। अब ये 3 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे अगर क्या होता तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होता, इफ द डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन प्लेसेस आर 0 और 11। ओके, अगर यहां पे मुझे 0 मिलता या 11 मिलता या 11 का कोई मल्टीपल मिलता तो ही वो नंबर 11 से डिविजिबल हो पाता। ओके, चलिए मैं आपको एक इजी 3-डिजिट नंबर दे देता हूं जो आप क्विकली चेक कर पाओगे, 121। ओके, अब 121 को देखिए चेक कीजिए, ये है मेरे ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस का समेशन कितना हुआ, 2, वाई 2, 1 + 1। ओके, और यूनिट इवन प्लेसेस पे क्या है, 2 2। अब देखिए 2 - 2 जब मैं करूँगा तो वो होगा 0, तो 0 है, दैट मीन्स के 121 इज डिविजिबल बाय 18 और 11 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, 121।
हो गया चेक। चलिए एक बार और ध्यान से इसको देख लीजिए, अगर डिफरेंस 0 है या 11 है या 11 का कोई मल्टीपल है, मीनिंग के वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ही वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ओके और एक मैं नंबर ले रहा हूं, नंबर 12। तो नंबर 12 के लिए भी इफ द नंबर इज डिविजिबल बोथ बाय 4 एंड 3, जैसे कि 6 में हमने देखा था 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, तो यहां पे अगर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है कोई नंबर तभी वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। आपको 12 से आगे के डिविजिबिलिटी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, टिल 12 इट इज मोर देन इनफ। ओके 12 का एक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, देखिए 24 इज डिविजिबल बाय 4, यस, तो वो डिविजिबिलिटी उसने पास कर ली। देन वी हैव 24 बाय 3, ओके मुझे 8 मिलेगा, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 24 इज डिविजिबल बाय 12 ऑल्सो। ओके और एक नंबर ले लेता हूँ 18, चलिए 18 इज डिविजिबल बाय 3, करेक्ट, बट 18 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो 18 को आप 12 से भी डिवाइड नहीं कर पाओगे। ओके क्वाइट एन ईजी, सो दिस वर योर डिविजिबिलिटी रूल्स एंड ऑल दी बेसिक आइडिया अबाउट योर नंबर सिस्टम। ओके चलिए कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आई विल ट्राई टू एड्रेस दोज डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।